मोमेंट का आपको इंतजार था, द स्टार परफॉर्मेंस। लोग जहां कहीं भी है इस कैंपस में, इस 10 एकड़ के कैंपस में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले 30 सेकंड के अंदर वो इस हॉल के अंदर आ जाए। ये वो परफॉर्मेंस है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। दिस इज द परफॉर्मेंस, रंग दे बसंती, द स्टार परफॉर्मेंस। And now for the moment that you have waited, रंग दे बसंती। मैं एक बार और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा इस कैंपस के कोने कोने में। तो आप यहां नहीं आए इसका मतलब, प्लीज ज्वाइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस थंडरस परफॉर्मेंस ऑफ दिस रंग दे बसंती। With Rang De Basanti, music team, is music team ready? Ready? Zordar taaliya Rang De Basanti ke liye! हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आपको ही कर सकते हैं सारा, मुमकिन हो तो हमारे हाल खोल दिए जाए। हम यहाँ लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं,
दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ऐ ख्वाब नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ऐ ख्वाब नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब तेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। चलते भी चलो कि अब तेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। जिंदगी मौत ना बन जाए, अब तो होश में आ जाओ यारो। खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोश की शमा दिल जला लो यारो। आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत की एकता पर आंच आने नहीं देंगे। लौट आएंगे आज भी, गर वतन मुश्किल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आजादी को चली बहने दीवानों की हो, हवा के सामने लात पौधे लेके आए हमने।
दुश्मन कोई नाथ पौधे लेके आए हम का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने हम पत्थर है जिसे दुश्मन मिला सकते नहीं Oh!
और इसके स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर हैं हमारे अमजद सर। ये YouTube पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये और ये महाराष्ट्र में पहली बार पेश किया जा रहा है ताकि तमाम स्कूलों के अंदर ये हौसला पैदा हो और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इसी तरह हमारी तहरीर कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी जगहों पर बैठे और दो तीन आइटम बचे हैं उसके बाद हम लोग सब जो बाकी बच्चे के लोग हैं वो अपने अपने नाश्ते खाने के लिए जो है टूट पड़ेंगे।